नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2019 हमने रेगुलर क्लासेस का आपसे वादा किया था, तो आज से क्लास स्टार्ट हो गई है। माफ़ी चाहता हूँ कि आज जो है 7:30 क्लास नहीं हो पाई इस कारणवश, लेकिन ये क्लास मैंने कहा था कि क्लास होगी तो संस्कृत की क्लास लेके आ गया हूँ। शाम की जो क्लासेज हैं सामाजिक की 6 बजे यथावत, उसके बाद हिंदी की और उसके बाद साइकोलॉजी की। तो आपसे सामाजिक का तो जो टॉपिक चल रहा है हमारे कक्षा 7 की बुक से वही रहेगा, उसमें नया कोई टॉपिक नहीं होगा। सिर्फ हिंदी के आपसे जो है कम्युनिटी पे वोट मांग लिए जाएंगे, आप जाकर वहाँ पर हमें वोट के माध्यम से बता सकते हैं, वोट के माध्यम से बता सकते हैं कि भाई आपको कौन सा जो है टॉपिक वो चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने के साथ चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने व्यंजन संधि चल रही थी और इससे पहले मैंने व्यंजन संधि की और कई संधियों के इस वीडियो डाले हैं और वर्ण विचार की वीडियो डाले हैं। इस वीडियो के आई बटन में आपको रीड संस्कृत के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप जाकर वहाँ पर सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की जो हमारी संधि है, इस संधि का नाम है चरत्व संधि। चरत्व संधि में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इसका सूत्र देखिए। चरत्व संधि का सूत्र है खरी च, खरी च। चरत्व संधि का सूत्र याद रखना है क्या है, खरी च। यानी अगर परिचय में आ जाए कि खरी च है, कस्मिन संधि से विधायक सूत्र अस्ति, यानी किस संधि का खरीच विधायक सूत्र है, तो चरत्व संधि का है। देखो सूत्र करो, सूत्रार्थ जलो यानी वर्ग के 1, 2, 3, 4 एवं से है को चर उसी वर्ग का प्रथम अध्याय है, तो खर यानी वर्ग का 1, 2 और से वर्ण के परे हो। तो यानी आपको ये याद रखना है कि जल यानी 1, 2, 3, 4 और तीनों से है यानी उस संव्यंजन, ठीक है, कोचर हो जाता है। चर यानी उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है यदि आगे क्या हो, या पहला दूसरा वर्ण हो और से है परे हो, तो उसके स्थान पर क च ट त प हो जाता है। समझ गए, दोबारा देख लो। यानी 1, 2, 3, 4 यानी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और से का पहला हो जाता है यदि उसके आगे पहला दूसरा और से हो परे हो। तो देख लो यहाँ पर आपके दिए हुए झल वर्ण 1, 2, 3, 4 से है और यहाँ पर चर क च ट थ आगे क्या हो क छ च छ ट ठ त थ प से हो, ठीक है। अब देखो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण इसमें दिया हुआ है सद प्लस कार, सद प्लस कार। अब देखो उदाहरण को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, बाकी उदाहरण आप इसमें स्क्रीन शॉट ले लेना, एक उदाहरण आपको डिटेल से बता देगा। सद प्लस कार, द जो है ये क्या है, ये तय थे दे देने का चौथा वर्ण है और कार कह क्या है पहला वर्ण है। तो हमने कहा था कि अगर चौथे वर्ण के बाद पहला वर्ण दूसरा वर्ण से हो तो दय का पहला वर्ण यानी इस दय के स्थान पर तय होगा। और देखो दय हलंत है तो तय भी क्या होगा, हलंत, हलंत यानी आधा वर्ण होगा, ये शब्द बनेगा सत्कार, ठीक है। एक उदाहरण और देख लो, एक जैसे ये है तज प्लस, तज प्लस छिव, तज प्लस छिव है, ठीक है, तज प्लस छिव। अब देखो इसके अंदर ये जो ज है ये च वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, च छ ज तीसरा वर्ण, और इसके सामने आपको छिव दिया हुआ है यानी ये च वर्ण का, च वर्ण का, च वर्ग का दूसरा वर्ण होता है, तो इसके स्थान पर पहला हो जाएगा। अब ये हलंत है तो वो भी आधा होगा और ये बनेगा तछिव, तछिव बन जाए, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का वीडियो है, मैंने आपको चरत्व संधि के बारे में बता दिया है कि यदि पहले दूसरे तीसरे चौथे और से है कि आगे पहला दूसरा वर्ण और से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का पहला वीडियो हमारे रेगुलर क्लासेज का। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।